हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में सेक्शन 84 आईपीसी जो कि इंसेनिटी uh, के डिफेंस के बारे में बात करता है जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक, एक आज से कुछ दिनों पहले आया था और एक कल आया है तो इन दोनों बेसिकली जजमेंट्स को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली मेडिकल या लीगल इंसेनिटी में से किस चीज का डिफेंस लिया जाता है इसके बारे में भी काफी डिस्कशन हुआ है इन दोनों केसेस के अंदर में और दूसरा एग्जैक्टली exactly ये इंसेनिटी का जो डिफेंस है वो लेते किस तरीके से है मतलब किस हद तक आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इंसेन थे ताकि आपको जो है वहां पे लाइबिलिटी से बचने को मिल सके तो ये सारी चीजों का डिस्कशन आज के इस केस में हम करेंगे तो लाइक आई सेड की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जो आज के इस वीडियो में आई बी डिस्कसिंग ठीक है दोनों ही आपके लिए और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोनों केसेस को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले गाइज uh, अगर आपने अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो ताकि अगर कोई डाउट है आपका कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो उसको आप यहाँ पे पूछ पाए ऑल्सो जो भी मेरे अपकमिंग यानी कि आगे आने वाले सेशंस होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि गाइज आज हो चुकी है पंद्रह सेप्टेंबर यानी कि पांच दिन का समय आपके पास बचा है क्योंकि ट्वेंटी सेप्टेंबर से क्या हो रहा है स्टडी आई क्यू जुडिशरी का अगला लाइफ फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने जा रहा है तो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो वो यूपी हो एमपी हो दिल्ली हो राजस्थान हो फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्टेट के लिए आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इसका जो प्राइस है दैट इज ट्वेंटी फोर ट्रिपल लाइन जहां पर दो साल के लिए दिया जाता है एंड एक ही डिस्काउंट कोड है जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट एंड दैट इज ए आर जे यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर सो वेबसाइट कहाँ पे है इनरोल कैसे करना है और क्या क्या चीजें इस कोर्स में इनरोल करने के बाद आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी देखिए पहले तो ये समझते हैं कि सेक्शन 84 में जो बार बार ये दो शब्दों का यूज किया जाता है कि सेक्शन 84 में आपको लीगल इंसिनिटी का डिफेंस मिलता है मेडिकल इंसिनिटी का नहीं मिलता है बेसिकली ये दोनों शब्दों का का मतलब मतलब क्या है का मतलब है देखिए मेडिकल होता कि डॉक्टर्स के हिसाब से मेडिकल टीम के हिसाब से हो सकता है कि सामने वाला पर्सन एक अनफिट पर्सन हो मतलब मेडिकल टर्म्स में अगर वो देखे तो उस पर्सन को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो उसको प्रॉपर मेंटली स्टेबल पर्सन जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं लेकिन फिर लीगल इंसेनिटी आपका क्या होता है तो लीगल इंसेनिटी का मतलब यह है कि किसी पर्सन को कोई मेंटल इलनेस भी है यानी कि मेडिकल यानी कि डॉक्टर्स की नजरों में वो पर्सन बीमार है मेडिकली फिट नहीं है लेकिन मेंटल इलनेस के साथ साथ उसकी जो है किसी भी एक्ट को समझने की जो पावर होती है जो रीजनेबल पावर होती है जहां पे आप सही गलत के बीच का डिफरेंस कर पाओ क्या चीज कानूनी है क्या चीज गैर कानूनी है इस चीज के बीच का डिफरेंस कर पाओ ये एक एडिशनल चीज हो जाती है आपके लीगल इंसेनिटी में तो कई बार आपने ये चीज सुनी भी होगी कि सेक्शन 84 का डिफेंस लेने के लिए आपको मेडिकल इंसेनिटी नहीं प्रूफ करना होता है आपको लीगल इंसेनिटी प्रूफ करना होता है अब आ जाते हैं हमारे पहले केस के ऊपर तो देखिए पहला जो केस है हमारा उसमें कुछ ऐसा हुआ कि एक पर्सन था जिसके ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि इन्होंने अपने ग्रैंडफादर का यानी अपने दादाजी का मर्डर किया है अब जैसे कि हम जानते हैं कि पहले कोई भी केस कहां पे पहुंचता है ट्रायल कोर्ट में पहुंचता है तो इनका केस ट्रायल कोर्ट में गया लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने इन्होंने बोला कि जब मैंने वो मर्डर का एक्ट किया तब मैं इंसेन था यानी कि मुझे लीगल इंसेनिटी थी इन्होंने उसके लिए पूरे एविडेंसेस वगैरह भी कोर्ट में प्रेजेंट किए तो ट्रायल कोर्ट इस कंक्लूजन पे आया कि भाई ये जो पर्सन है ये मेडिकली ये लीगली इंसेन था उस मर्डर के एक्ट को करते टाइम यानी कि इसे एक मेंटल इलनेस भी है और जब ये अपने दादाजी का मर्डर कर रहा था तब ये सही गलत के बीच का डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कि ये जो काम कर रहा है वो गलत है कानून की नज़रों में एक ऑफेंस है ये पावर, ये सोचने, समझने की पावर इस के में नहीं थी तो, इसे जो है, हम यहाँ पे करते है, तो इसके ऊपर तो इस चीज को कोर्ट में जाके चैलेंज किया तो कोर्ट ने जो है इस पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया अब ये पर्सन वापस से सुप्रीम कोर्ट आया ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट में आके इन्होंने यहां पे बोला ठीक है कि देखिए ऐसा है ट्रायल कोर्ट ने मुझे यहाँ पे निर्दोष पाया था और अब हाई कोर्ट जो है बोल चुका है कि भाई मैं निर्दोष नहीं हूं यानी कि मुझे यहाँ पे इंसेनिटी का डिफेंस नहीं मिल पाएगा और मुझे यहां पे मर्डर के लिए सजा सर्व करनी पड़ेगी अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये यह बोला कि देखिए जब कोई भी पर्सन कोर्ट में आके ये डिफेंस लेता है कि वो इंसेन है वो पागल है जिसकी वजह से वो अपने एक्ट को समझ नहीं पाया तो ऐसा नहीं है कि आपको हंड्रेड परसेंट वहां पर कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं पागल हूं और मैं इंसेन हूं और मैं पर्टिकुलर एक्ट को नहीं समझ पा रहा था कि वो सही है कि वो गलत है कोर्ट ने यहां पर बोला आपको सिर्फ एक रीजनेबल डाउट वहां पे देना होता है मतलब कि आप बस बेसिक से सबूत वगैरह वगैरह एविडेंस वहां पे लेके आ जाइए जिससे कोर्ट को लगे कि हाँ भाई पागल है सामने वाले पर्सन की ये ड्यूटी नहीं है कि वो हंड्रेड परसेंट कोर्ट को कन्विंस करे कि वो पागल है या वो इंसेन है आपको इतना ज्यादा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके आपको कोर्ट को कन्विंस नहीं करना है थोड़ा बहुत भी अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं कि अगर आप पागल है तो कोर्ट वहां पर आपको आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो नहीं लगाएगा तो कोर्ट ने यहां पे वही चीज बोली कि ऐसा हर एक शख्स जो कि सेक्शन 84 आईपीसी का डिफेंस यहां पे ले रहा है उसे क्या प्रूफ करना होता है मेडिकल लीगल इंसेनिटी यहां पे प्रूफ करना होता है लीगल इंसेनिटी यानी कि आप बस कोर्ट के सामने इतना प्रूफ कर दीजिए कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है यानी कि आप किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ जब आप वो ऑफेंस कर रहे थे तो आपको नहीं पता चल रहा था कि आप कोई गलत चीज कर रहे हो आप कोई गैर कानूनी चीज वहां पे कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया इस पर्सन को यहां पे रिहा कर दिया और एक्मिट कर दिया ये 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 पॉइंट जो है ये बात पे पे बोलते हुए तो कोर्ट का यहां पे ये कहना था कि देखिए अगर कोई भी मेडिकल एविडेंस हमारे सामने लाया जाता है ठीक है अगर ऐसा कोई भी सबूत सामने वाला पर्सन पेश करता है कि इसे कोई मेंटल इलनेस है और जब ये वो ऑफेंस कर रहा था तब ये अजीब तरीके से एक्ट कर रहा था यानी कि बहुत ही सा बिहेवियर था इसका तो ऐसे में हम ये मानेंगे कि भाई ये पर्सन पागल है यानी कि इसे सच में नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो एक्ट कर रहा है वो गलत है कि सही है तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो ट्रायल कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था जहां पर इस पर्सन को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया गया था वो वर्डिक्ट एकदम सही है क्योंकि देखिए हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ तो आप किसी भी पर्सन को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि आप पागल हो आपको सिर्फ क्या करना है उनको समझाना है कि भाई ये सबूत है मेरे पास ठीक है उस सबूत के बेसिस पे आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये पर्सन पागल है बट आपको हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ कोर्ट को वहां पर कन्विंस नहीं करना है तो कोर्ट ने यहां पर वही चीज बोली देखिए क्योंकि सिंस ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है ये जो सारे शब्द यूज किए गए हैं आईपीसी में कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होता है इंसेनिटी क्या होता है ये सब कहीं पे डिफाइन तो है नहीं ना तो हमारे आईपीसी में डिफाइंड है ना किसी और कानून में डिफाइंड है तो किस चीज़ को अनसाउंड मानेंगे किस चीज़ को इंसेन मानेंगे इसका कोई फिक्स पैरामीटर तो वैसे भी नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि हर इंसान के लिए पागलपन अलग होता है हर इंसान के लिए इंसेनिटी अलग हो सकता है तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि देखिए अगर कोई भी पर्सन लीगल इंसेनिटी कोर्ट में आके प्रूफ कर देता है प्रूव इन द सेंस कि अगर आप प्रॉपर मेडिकल एविडेंसेस लेके आ जाते हो और डॉक्टर भी अगर बोल देता है कि हाँ ये पर्सन पागल है मतलब इसको कोई मेंटल इलनेस है और ये सही गलत के बीच का डिफरेंस नहीं कर पा रहा इतना बोलने में ही कोर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्विंस हो जाएगा ठीक है और आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाएगा अब आते हैं हमारे दूसरे केस पे तो ये जो केस डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है एक दूसरे के

उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ सिर्फ यहाँ पे कि आपको court को यहाँ पे satisfy करना है, है ठीक मतलब कि आप basic सा reasonable material कि court में पेश कर दीजिए, ठीक है और बता दीजिए कि भाई आप मेडिकली इंसेन है यहाँ पे आपको कोई सच में मेंटल इलनेस वगैरह है ठीक है उस बेसिस पे कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा कन्विंस हो जाएगा मान जाएगा तो इस केस में भी कोर्ट ने वही चीज बोली थी कि देखिए आपको ऐसा नहीं है कि एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके आपको एकदम हंड्रेड परसेंट कोर्ट को यह भरोसा करवाना ही पड़ता है कि आप यहां पे मेडिकली इंसेन हैं क्योंकि अगेन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि किसी भी पर्सन को हंड्रेड परसेंट कन्विंस नहीं करवाई जा सकती लेकिन हाँ कोर्ट ने इस पुराने वाले केस में भी वही बोला है कि सेक्शन 84 का डिफेंस लेने के लिए ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि आप अनसाउंड अनसाउंड माइंड के हैं और सिर्फ माइंड दिखाने से आपको सेक्शन 84 का डिफेंस यहां पे नहीं मिल सकता आपको ये भी दिखाना पड़ेगा वही बात आ जाती है कि लीगल इंसेनिटी और मेडिकल इंसेनिटी में डिफरेंस क्या होता है तो कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इंसेन होना या अनसाउंड माइंड का होना काफी नहीं होता आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि आप जो एक्ट कर रहे थे वो गलत है और वो कानून के अगेंस्ट है यह आपको समझ में नहीं आ रहा था उस एक्ट को करते टाइम यही डिफरेंस होता है लीगल इंसेनिटी में और मेंटल आ, आपकी मेडिकल इंसेनिटी में यहां पे तो ये चीज अगर आप कोर्ट के सामने प्रूफ कर देते हैं तो यहां पे आपको सेक्शन 84 का आ, डिफेंस यहाँ पे मिल जाता है तो कोर्ट ने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझाई है ठीक है कि देखिए हो सकता है कि कोई पर्सन मेडिकली इंसेन हो मतलब डॉक्टर्स की देखिए डॉक्टर्स की नजरों में जो छोटे मोटे बेसिक से डिसऑर्डर्स होते हैं उनको भी मेडिकल पागलपन ही माना जाता है मेडिकल इंसेनिटी ही उसको भी माना जाता है ठीक है लेकिन अब हो सकता है कि कोई पर्सन डॉक्टर्स की नजरों में पागल हो लेकिन जब वो मर्डर करे तो उसको पता हो कि भाई मर्डर करना गलत है या मैं जो चीज़ कर रहा हूं वो एक ऑफेंस है ये मुझे नहीं करना चाहिए इसके लिए मुझे सजा मिल सकती है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए इसलिए जिस पर्सन को मेडिकली इंसेन माना जाए उसे हम लीगली भी इंसेन माने ये यहां पर जरूरी नहीं है तो मतलब ये जो पर्सन की इनेबिलिटी होती है ना सही गलत के बीच का डिफरेंस ना कर पाना ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही चीज आपको कोर्ट में जाके कन्विंस भी करनी होती है कि बस आप कोर्ट में इतना कन्विंस कर दो कि भाई जब मैं मर्डर कर रहा था तो मेरे पागलपन की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मर्डर कर रहा हूं या मैं किसी पर्सन के साथ कुछ गलत कर रहा हूं या मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा हूं जो कि कानून के अगेंस्ट है जिसकी सजा मुझे यहां पे मिल सकती है तो कोर्ट ने बोला कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है एक्यूज के ऊपर यहाँ पे होता है और ये चीज़ अगर आपने थोड़ा बहुत एविडेंस लाके डॉक्टर्स वगैरह का एविडेंस लाके आपने कोर्ट को यहाँ पे प्रूफ करवा दिया मतलब कोर्ट को यहाँ पे आपने इस चीज़ के ऊपर सेटिसफाई कर दिया तो उतना काफ़ी होता है कोर्ट आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप हंड्रेड परसेंट हमको कन्विंस ही करो कि मतलब एकदम हम पूरी तरीके से यहाँ पे हंड्रेड परसेंट श्योर हो जाने चाहिए कि आप मर्डर कर ही नहीं सकते ये चीज़ वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं जहां इंसेनिटी की बात आ जाती है या इंटॉक्सिकेशन की बात आ जाती है क्योंकि इन केसेस में क्या होता है कि हर पर्सन का अपना अलग अलग व्यू पॉइंट होता है आपके सामने सबूत पेश कर भी दिए जाएंगे हो सकता है तो भी आप ना मानो कि ये पर्सन जो है मेडिकली अनफिट है है या ये लीगली इनसेन है यहां पे तो कोर्ट ने बोला कि देखिए इसलिए इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है इन पर्टिकुलर केसेस में आप सिर्फ इतना देखो कि भाई वो सबूत लेके आ रहा है उसके दिए गए सबूतों के बेसिस पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन पागल है इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है ठीक है आपको लग रहा है कि भाई ये नहीं कर सकता डिफरेंस ये उस टाइम सही तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा होगा इतना आपको लग रहा है उतना काफी है इस बेसिस पे उस पर्सन को यहां पे क्या मिल सकता है डिफेंस मिल सकता है आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छे एविडेंस लेके आओ बहुत ज्यादा डॉक्टर से बात करो जब हम कन्विंस होंगे तभी हम यहाँ पे आपको डिफेंस देंगे इतना ज्यादा जो दिमाग है <coughs> इन in इंसेनि के केसेस में यहां पे नहीं लगाया जाता है तो ये जो कल केस आपका आया है इस केस का नाम है रूपेश मांगर वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम 2023 दो लाइक आई सेड कि दोनों ही केसेस आपके कनेक्टेड है, हैं इंटरलिंक्ड हैं बेसिकली दोनों केसेस में क्योंकि सेम बात बोली गई है कि पहले तो सेक्शन एटी का डिफेंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है लीगल इंसेनिटी शो करना पड़ता है लीगल इंसेनिटी का मतलब क्या है कि ना सिर्फ आपको एक मेंटल इलनेस थी कोई मेंटल बीमारी है बट उस मेंटल इलनेस और बिना बीमारी की वजह से आप सही गलत के बीच का डिफरेंस नहीं कर सकते हैं आपको क्या चीज कानूनी है गैर कानूनी है यह आपको समझ में नहीं आता है तो पहला पॉइंट तो यह बोला गया है इन दोनों केसेस में दूसरा यह बोला गया है कि हर वो पर्सन जो कि कोर्ट में आके डिफेंस ले रहा है मेडिकल इंसेनिटी का या सॉरी लीगल इंसेनिटी का आपको यह नहीं करना है कि आपको हंड्रेड परसेंट कोर्ट को कन्विंस करना है आपको सिर्फ सबूत आके दिखाने हैं और कोर्ट को अगर थोड़ा सा भी लगता है हाँ कोर्ट वहां पे आपको डिफेंस अलाउ कर देगा क्योंकि लेट डाउन तो की गई है और मेरे हिसाब से दोनों केसेस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं प्रिलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी क्योंकि सेक्शन 84 फोर आईपीसी जो है काफी फ्रीक्वेंटली आज प्रोविजन है प्रिलिम्स में भी आता है और मेन्स में भी काफी बार पूछा जाता है ठीक है किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो हर जगह ये पर्टिकुलर प्रोविजन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मेंस में खास करके इस पर्टिकुलर सेक्शन uh, 84 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए मेंस के एग्जाम uh, में तो वहां पे आप ये दोनों रीसेंट केसेस को भी कोट कर सकते हैं कि भाई लीगल इंसेनिटी सेक्शन एटी में दिखाने के लिए क्या क्या चीजें आपको एग्जैक्टली exactly कोर्ट में प्रूव करनी होती है तो आई होप ये केस आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा नाउ सेशन एंड करने के पहले तो गाइस जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा अगला लाइफ फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है कब से सितंबर से तो किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो वो यूपी uh, हो एमपी हो दिल्ली हो राजस्थान हो छत्तीसगढ़ हो झारखंड हो इट डज नॉट मैटर आप इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं ठीक है और हिंदी uh, और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स आपका अवेलेबल है बस इनरोल कैसे करना है तो उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आप जाइए गूगल पे और गूगल पर जाके क्या करिए स्टडी आईक्यू क्यू जुडिशरी सर्च करिए ठीक है सर्च करके आपको क्या करना है थोड़ा सा नीचे जाना है और ये जो पहली वेबसाइट आपको दिखेगी इस पर क्लिक करना एंड जो सबसे ऊपर कोर्स आपको दिख जाएगा वो है हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच सिक्स ठीक है अब लाइफ फाउंडेशन बैच सिक्स में आपको बेसिकली मिलता क्या क्या है ओके तो लाइफ फाउंडेशन बैच सिक्स में आपके पास है लाइव क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस है ठीक है ऑनलाइन क्लासेस के देखिए बेस्ट चीज़ यह है हाय अश्वी कुशवा वेरी गुड इवनिंग ऑनलाइन क्लासेस को देखो बेस्ट चीज ये होती है कि यू डोंट एग्जैक्टली हैव टू लीव योर होम घर बैठे बैठे आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो ठीक है जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है बहुत ज्यादा आपको स्पेंड करने की जरूरत भी नहीं है तो घर की कन्वीनियंस में फिजिकल क्लास ऑफलाइन क्लासेस की तरह ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो घर बैठ घर बैठ के आराम से अपनी तैयारी करो ठीक है क्लास में जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन है आप फैकल्टी से पूछ सकते हो और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि जैसे YouTube पे आपको डाउट्स पूछने पड़ते हैं लिख के चैट बॉक्स में तो वहां पे इस इस कोर्स में आपको वैसे अपने डाउट्स पूछने की जरूरत नहीं है आप बोल के अनम्यूट करके अपने आप को अपने सारे डाउट्स फैकल्टी से पूछ सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस लाइफ कोर्स की इसके साथ साथ डेली यहां पे आपको हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं बिकॉज लेट्स फेस इट अल्टीमेटली प्रीलिम्स में जाके आपको वही करना है एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करना है उसी के बेसिस पे आपका पेपर निकलना है तो इट इज बेटर कि उसे डेली किया जाए ठीक है यस जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ठीक है तो डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में करवाई जाएगी प्रिलम्स के और मेन्स के नोट्स आपको मिलते हैं प्रिलिम्स के लिए हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे <coughs> रिविजन के लिए मेन्स uh, के लिए आपको डिटेल्ड वाले लेक्चर नोटिस कोर्स में मिलते हैं ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहां पे कर पाओ ठीक है विथ विच आई कम टू कि मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना अब ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि हम बोलते तो है कि जुडिश्रल एग्जाम्स की तैयारी करो तो मेंस को ध्यान में रख के करो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो तो एक्सक्यूज <coughs> मी तो मेंस के आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है ये स्टार्टिंग से ही की जाती है इसको डे वन से ही करना पड़ेगा तो मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी आपको इस कोर्स में एक्सप्लेन किया जाएगा इसके साथ साथ जजमेंट राइटिंग कैसे की जाती है ठीक है क्योंकि सारे एग्जाम्स में जजमेंट राइटिंग आपका आता है तो जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है वो चीज़ भी आपको बताई जाएगी आ, प्लस जी और करंट अफेयर तो अगर आप में से कोई यूपी बिहार उत्तराखंड इन स्टेट्स की तैयारी कर रहा है तो गाइज इन स्टेट्स में जीके और करेंट अफेयर भी आता है बहुत ज्यादा आता है और अच्छे खासे नंबर के लिए आता है तो आपको उसकी भी क्लासेस इसमें मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लीगल करंट अफेयर्स ठीक है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको कोर्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा लोकल लॉज तो हर स्टेट जुडिश्री का किसी भी जुडिश्री एग्जामिनेशन का अगर आप सिलेबस देखोगे वहां पे ना सिर्फ मेजर और माइनर लॉज आते हैं बट लोकल लॉज भी आते हैं और उनकी भी वैल्यू है क्योंकि वो भी अच्छे खासे नंबर के लिए पूछे जाते हैं तो लोकल लॉज की क्लासेज और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश काफी सारे स्टेट्स में आती है तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करवाई कर जाती है यशवी कुशवा आई थिंक यू शुड ऑलरेडी स्टार्ट विथ योर जुडिश्री प्रिपरेशन आप फिफ्थ सेमेस्टर में है तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो एंड स्टार्ट विथ य जुडिश्री प्रिपरेशन बाकी कैसे करनी है डिटेल में आ उसके लिए यू कैन टेक्सट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम मैं आपको वहां पर समझा दूंगी ठीक है और या लाइक आई saying, तो बेस्ट चीज इस कोर्स की ये है कि हर स्टूडेंट को इस कोर्स में एक अपना खुद का पर्सनल मेंटोर मिलेगा तो आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी क्वेश्चन है जो भी क्वेरीज हैं है, आप अपने मेंटोर से भी डिस्कस कर सकते हो स्ट्रेटेजी को लेके गाइडेंस को लेके ठीक है सो सो मेनी फीचर्स इतनी सारी चीजें इस कोर्स में आपको मिल रही हैं एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी अफोर्डेबल वी आर नॉट आस्किंग यू टू शेल आउट अ लॉर्ड ऑफ मनी बहुत ज्यादा आपको पे करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब यहां पर देखिए आपको परचेस इनरोल कैसे करना है यहां पे जब आप जाओगे तो कोर्स आपको फोर्टी थाउजेंड का दिखाई देगा बट इट इज नॉट फॉर फोर्टी थाउजेंड ठीक है आपने क्या करना है एड प्रोमो कोड लिखा होगा इस पर क्लिक करना लेफ्ट में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एकदम सबसे नीचे जाना और नीचे जाओगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऐसा एंटर कूपन कोड ठीक है यहां पे हमें क्या करना है एक कूपन कोड है ए आर जे ठीक है इस तरीके से आपको टाइप करना है ए आर जे और अप्लाई करना है ठीक है और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो लाइक यू कैन सी चौबीस हजार नौ सौ निन्यानवे में ये पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है अगले दो साल की वैलिडिटी के साथ अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम दो साल तक आप पढ़ाओगे मतलब चौबीस महीनों में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो नहीं सिलेबस आपका 10 से 12 महीने में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बट हमने कोर्स का एक्सेस आपको 2025 तक दिया हुआ है तो ये 10 से 12 महीने में जितनी लाइव क्लास आपकी होंगी ना आप उनको 2025 तक एक्सेस कर सकते हो जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो ठीक है तो जो स्टूडेंट्स मेरी मेंटोरिंग में और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं वो एआर जे डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है एक और चीज दिस इज नॉट इट एक और चीज कि अगर आपने इस लाइफ बैच के लिए इनरोल किया इफ यू इनरोल फॉर द लाइफ फाउंडेशन बैच सिक्स तो यहां पे स्टडी आई क्यू जुडिशरी का एक और कोर्स है महापैक का कोर्स ये आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिल जाएगा तो बेसिकली जब आप ट्वेंटी फोर ट्रिपल नाइन का अमाउंट पे करते हैं आपको दो कोर्सेज उसमें मिलेंगे लाइफ बैच भी मिल जाएगा और महापैक का कोर्स भी मिल जाएगा महापैक बेसिकली है क्या तो देखो सबसे ज़्यादा इंडिया में स्टेट्स तो बहुत सारे हैं बट 16 ऐसे स्टेट्स हैं ठीक है जहां पे सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं जुडिशल एग्जाम्स के लिए आज जैसे यूपी है एमपी है बिहार है राजस्थान है छत्तीसगढ़ है झारखंड है दिल्ली है उड़ीसा है वेस्ट बंगाल है ठीक है ऐसे सोलह स्टेट्स हैं तो इन सोलह स्टेट्स में जितने मेजर लॉज आते हैं उनके जो माइनर लॉज आते हैं जो जो लोकल लॉज हैं सिक्सटीन स्टेट्स के ये सब कुछ रिकॉर्ड करके इस महापैक के कोर्स में हमने अपलोड कर दिए हैं तो अगर आप लाइव बैच के लिए एनरोल करोगे ये कोर्स आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सो so में यू विल बी गेटिंग टू कोर्सेस एंड यहां पे नीचे अलग अलग स्टेट्स के इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बट एक चीज ध्यान रखना कि ये जो स्टेट वाले कोर्सेज दिख रहे हैं आपको ठीक है हर स्टेट का अपना अपना अलग कोर्स दिख रहा है या फिर ये जो महापैक का कोर्स दिख रहा है इनमें है रिकॉर्डेड क्लासेस यानी जो पहले से रिकॉर्ड करके डाल दी गई क्लासेज होती है ये लाइव क्लासेज नहीं है लाइव बैच के अपने फायदे हैं लाइव बैच में लाइव क्लास है ऑनलाइन क्लास है क्लास के बीच में आप फैकल्टीज से बात कर सकते हो फैकल्टीज आपसे बात कर सकते हैं ठीक है लाइव बैच में डेली एमसीक्यूज मिलते हैं प्रिलिम्स के और मेन्स के नोट्स मिलते हैं मेंटोरशिप मिलती है मेन्स के और जजमेंट राइटिंग की क्लासेस होती है तो ये कुछ फायदे हैं लाइव बैच के ठीक है <coughs> अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से कोर्स के लिए एनरोल करना है बट किसी भी कोर्स के लिए आप इनरोल करें स्टडी आईकू जुडिस्ट्री के दर्ज ओनली वन डिस्काउंट कोर्स जिससे आपको मिलेगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट दैट इज एआर और लाइफ बैच के लिए गाइज अगर इनरोल करना है तो यह जल्दी से कर लो क्योंकि ट्वेंटी एप्टेंबर यानी कि आज से पांच दिनों के बाद आपका लाइफ बैच स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन सेशन अगर अच्छा लगा इसे लाइक करो इसे शेयर करो एंड चैनल अगर आपने अभी तक uh, uh, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो एल सी यू गाइज सून तब तक ली टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय